कोरबा पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत रामलीला मैदान बालको नगर से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक कोरबा अध्यक्षता अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अतिथि हरिनंदन शर्मा, प्रबंधक बालको कंपनी योगेश साहू, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा की उपस्थिति में निजात कार्यक्रम जागरूकता हेतु बाइक रैली निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए संतोष सिंह ने कहा कि निजात अभियान को पूरे जिले में सभी लोगों के प्रयास से सफल बना सकते हैं। नशा एक सामाजिक बुराई है, जिसे मिलकर प्रयास करें तो समाप्त किया जा सकता है। सभी धार्मिक सामाजिक संगठन से लेकर गांव-गांव तक निजात अभियान को लेकर जाना है। कुछ लोगों को नशा से निजात मिल जाए, जिससे परिवार खुशहाल हो, हमारा प्रयास सफल रहेगा। उपरोक्त अतिथियों के द्वारा रामलीला मैदान बालको नगर में हजारों मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, झांकी, पंथी, कर्मा नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य, नाटक, नुक्कड़ को झंडा दिखाकर रवाना किए, जिसमें बालको थाना प्रभारी विजय चेलक और टीम द्वारा कुशल नेतृत्व में विशाल बाइक रैली आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में समाज सेवी अनिल द्विवेदी, इंटक नेता जय यादव, सुमंत सिंह, पवन शर्मा, प्रफुल्ल तिवारी, पप्पू खान, राजू शर्मा, प्रभाकर राव, नरसिम्हा राव सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बाइक रैली बालको से प्रारंभ होकर आईटीआई चौक, कोसावाड़ी, निहारिका, घंटाघर, बुधवारी बाजार, सीएसबी चौक, टीपी नगर चौक, सुनालिया चौक, पुराना बस स्टैंड, सीतामढ़ी होते हुए कोरबा में समापन हुआ।